अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो ट्यूटोरियल में आपको बताएंगे भाई मिनी कार ड्रॉअर कैसे ऐड कर सकते हैं। यानी साइड में एनिमेटेड टाइप का एक चेकआउट का कार्ट आएगा आपका, जो साइड बाय लेफ्ट साइड पे शो हो रहा होगा, तो उसको हम देखते हैं उसको कैसे यूज़ कर सकते हैं और कैसे अपनी वेबसाइट में इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में आएंगे और ऐड न्यू करेंगे प्लगइन्स के अंदर, और प्लगइन का नाम है मिनी कार ड्रॉअर फॉर वूकॉमर्स, जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ है। मिनी कार्ड ड्रॉअर फॉर वूकॉमर्स और उसकी एक्टिव 1000 इंस्टॉलेशन है, जो कि काफ़ी अच्छा प्लगइन है और काफ़ी शशको वाला है, जो कि आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। और हम डैशबोर्ड में आते हैं, इसकी सेटिंग्स देखते हैं, इसकी सेटिंग्स में आए मिनी कार्ड ड्रॉअर। तो ये होगा, जब आप ऐड टू कार्ट कर रहे होंगे तो लेफ्ट साइड पे आपके वो ड्रॉअर शो हो रहा होगा, ठीक है, और वहाँ पे चेकआउट वगैरह हुआ है, आप चेकआउट पे आना है, कार्ट पे आना है, ये आपके पास काफ़ी सारे ऑप्शन है। पोजीशन सी क्या दिखानी है, लेफ्ट मिडिल दिखानी है, राइट टॉप दिखानी है। मैंने कहा भाई मुझे दिखानी है राइट मिडिल, ठीक है, मुझे आइकन कौन सा शो कराना है। मैंने कहा भाई मुझे ये वाला आइकन जो डिफ़ॉल्ट है यही शो कराना है, ठीक। अच्छा भाई मुझे डिज़ाइन किस तरह का चाहिए, मैंने कह दिया भाई मुझे ये ग्रीन वाला चाहिए, ठीक है। फिलहाल ये मेरे ख्याल से पेड पेड ऑप्शंस के लिए, हाँ ठीक है, जो हमारा फ्री है फिलहाल फ्री ऑप्शन है। कार्ड आइटम शो ऑन ईच आइटम टू ऐड, ठीक है, फिलहाल मैं इसको नहीं छेड़ा अभी कोई सेटिंग, यहाँ पे इसको मैंने सेव किया। कार्ड ड्रॉअर, कार्ड बटन ऑन ड्रॉअर, मैंने कहा भाई ये वाला आइकन चाहिए। कह रहे फुटर कंटेंट कैसा है, टोटल आइटम है, टोटल क्वान्टिटी है, टोटल अमाउंट है। मैंने कहा भाई टोटल आइटम है, सही है। डिस्प्ले एनिमेशन कौन सा चाहिए, मैंने कहा भाई बाउंस वाला चाहिए, ठीक है। हाइट सर्कल इफ़ यू एनेबल द काउंटर ऑफ द टॉप एंड विल बी हाइट, मैंने कहा नहीं करना हाइट। अच्छा सर्कल काउंटर टाइप कौन सा चाहिए, टोटल आइटम टोटल क्वांटिटी, मैंने कहा इसी को यही रहने दो। इसको मैंने सेव कर दिया, ठीक, इसको भी मैंने सेव घुमा दिया। शो डिस्काउंट एंड कार्ट टोटल, ठीक है, शो ऑल फीस ये मैंने एनेबल कर दिया। मैंने कहा माई वेबसाइट कार्ट, ठीक, इसको मैंने सेव कर दिया। चेकआउट बटन कार्ट, चेकआउट बटन यहाँ चेक कर लूँ भाई, ये तो चलनी है। चेकआउट बटन पेज, इसको मैंने सेव कर दिया, ठीक है, ये फिलहाल ये हमारे काम का नहीं है, रिकमेंडेड, ठीक है। तो अब मैं जाता हूँ, कह रहा है एडिट यूजिंग डब्ल्यू बी कस्टमर, ये ऑप्शन भी देख लेते हैं क्या चीज़ है भाई, हमारे काम का है कि नहीं है। अच्छा ये यहाँ से दिखा रहा है कि यहाँ से भी आप ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, वही ऑप्शन है, लेकिन ये कस्टमाइजर से दिखा रहा है, डब्ल्यू बी कस्टमाइजर से आप यहाँ से चीज़ें चेंज कर सकते हैं। हमने मेन प्लगइन की सेटिंग में कर लिया, तुम्हारा काम हो गया। अब मैं इसको उसको आपको दिखाता हूँ कि ये चीज़ किस तरह शो हो रही है। ये देखिए दोस्तों, मैंने राइट साइड पे मिडिल पे सेंड किया था, ये ऑटोमेटिकली इसी ऊपर आपका एनिमेटेड आ रहा, ज़बरदस्त हो गया दोस्तों। ये मेरा वेबसाइट का कार्ड आ रहा है, ये बटन आ रहा है जो मैंने लिखा था, ये मेरा टैक्स का चेक कार्ड के पेज का टैक्स आ रहा है, ये चेकआउट का बटन आ रहा है, ठीक। तो और इसको मैं अगर शॉप के पेज पे आऊँ, शॉप के पेज पे मैंने किया ऐड टू कार्ड, ये 1 हो गया, 2 किया मैंने 2 हो गया, ये 3 किया ये 3 हो गया, ठीक। फिलहाल वो मल्टीपल प्रोडक्ट्स, ठीक है, ये मैंने ऐड टू कार्ट कर दिया, 3 हो गया। इसी तरह मल्टीपल मैंने ऐड टू कार्ट कर दिया चेक करने के लिए, जितनी बार मैं ऐड टू कार्ट करूँगा ये एनिमेट छोड़ता रहेगा, तो ये ज़बरदस्त हो गया। इसी तरह ये देखिए क्या ऑसम लग रहा है, ये दिखा रहा है भाई 6 आइटम है, आपस 6 क्वान्टिटीज हैं, ठीक है। ये यहाँ पर करेंसी दिखा रहा है, यहाँ से हम क्रॉस करके इसको ख़त्म कर सकते हैं, ये इसको यहाँ पे दोबारा हाइड हो जाएगा। नीचे व्यू कार्ड पेज का आपका बटन आ रहा है, चेकआउट का बटन आ रहा है, ठीक है, जो आप चेकआउट पे क्लिक करेंगे तो चेकआउट पे आएगा, कार्ड के पेज पे कार्ड पे आएगा। यहाँ से मैंने अगर किसी को डिलीट करना है यहाँ से डिलीट भी कर सकता हूँ, और अंडू अंडू करने से क्या होगा भाई, अंडू करने से रिमूव हो गया, ठीक है वो प्रोडक्ट। और मैं चेकआउट के बटन के पेज पे आता हूँ तो यहाँ पर शो हो रहा है वहाँ पे भी, ठीक है। इसी तरह मैं व्यू कार्ड के पेज पे आता हूँ, नीचे से बटन पे ये बटन के कार्ड के पेज पे भी शो हो रहा है। आई थिंक वीडियो आपको समझ में आई होगी दोस्तों, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना, बेल आइकन को जरूर प्रेस करना।